आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा के अमृती गांव उस वक्त सनसनी फैल गई जब गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। गोली चालन की इस घटना में गोली चलाने वाला और घायल दोनों ही अमृती गांव के ही रहने वाले बताए गए हैं। गोली लगने से घायल युवक को जहां उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो वहीं गोली चलाने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल घटना रीवा के घूर थाना क्षेत्र अमृती गांव की है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि गोली चलाने के आरोप में पकड़ा गया आरोपी गड्डी रोड में गुजरने वाली नहर में सिक्योरिटी गार्ड के पद पर कार्यरत है, जिसके पास लाइसेंसी बंदूक थी। बताया जा रहा है कि घायल शमसुल हक और आरोपी अहमद उर्फ मुन्ना खान दोनों ही एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि रोजाना की तरह आरोपी अपनी बंदूक लेकर ड्यूटी पर जा रहा था। इसी दौरान पान के ठेले में आरोपी व घायल दोनों ही एक साथ खड़े थे, तभी आरोपी के बंदूक से गोली चल गई जो शमसुल हक के पैर में जा लगी। गोली चलने का कारण अभी अज्ञात बताया जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि गोली गलती से चली है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उनको गोली लगी है, कितने मारी है? वो मुन्ना मुन्ना करके बोलते हैं, उनका असली नाम हमको मालूम नहीं, मुन्ना मालूम है। कहाँ के हैं? अमेरिकी गांव के हैं जी। नहीं नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। आरोपी क्या करते हैं, कहाँ काम करते हैं? जिसने गोली मारी है वो कहाँ काम करते हैं? वो कहीं नहर में वॉचमैनी सिक्योरिटी गार्ड कुछ ऐसा ड्यूटी करते हैं। आपका क्या नाम है? आयनुल हक। घायल का भाई है जी।